हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पप्स टू प्लांट। आप मेरे सामने ये जो प्लांट देख रहे हैं ये है सरसों का प्लांट। जो इस छोटे बीज होते हैं उसे हम राई कहते हैं और जो थोड़े बड़े बीज होते हैं उसे सरसों कहा जाता है। तो घर में जो राई होती है मैंने इसे उससे ही ग्रो किया था। इसके जो बड़े पत्ते हैं वो मैंने यूज़ कर लिए और जो ये बीज निकल गए हैं अब इसे हम हार्वेस्ट भी करेंगे और ग्रो करना भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसे ग्रो किस तरह से किया था। ये हमारी किचन में जो राई होती है वही है। मैंने जस्ट इतनी थोड़ी सी राई ली और इस तरह से उसे स्प्रिंकल कर दिया। इसके ऊपर मैंने कोई कवरिंग भी नहीं चढ़ाई, मैंने बस हल्का सा इसे इस तरह से प्रेस कर दिया। और आप देख सकते होंगे कि मेरी सॉइल ऑलरेडी मॉइस्ट है, इसलिए पानी भी नहीं डालना है हमें। जब भी आप सीड लगाएं तो कोशिश करें मॉइस्ट ही लें अपनी सॉइल, ताकि जो सीड्स हैं वो जम पाएँ मिट्टी के अंदर। इस तरह से आप इसे प्रेस कर दें। 3-4 दिन के अंदर ही आप देखेंगे कि सरसों निकल कर आ गई है। इसी तरह से आप ग्रो करें। और जब मेरी सरसों ग्रो हो गई थी तो मैंने उसकी थिनिंग कर ली थी। थिनिंग का मतलब है अब हमने इतने सारे सीड्स लगाए हैं तो सारे ग्रो करेंगे, पर हमें सारे नहीं रखने, 4-5 प्लांट रखने हैं ताकि मिट्टी के अंदर उनको ग्रो होने के लिए जगह मिल जाए। तो देखिए अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे हार्वेस्ट किस तरह से करते हैं। उससे पहले आप नीचे देख सकते हैं कि 3 ही प्लांट्स हैं और अभी आपको लग रहा होगा कि ये कैसा बिल्कुल खाली खाली सा पॉट है, लेकिन थोड़े दिन ही पहले इसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े पत्ते थे। वो सारे पत्ते मैंने अपने खाने में कंज्यूम कर लिए। जो सरसों की सब्ज़ी बनती है, सरसों का साग बनता है, वो इसी से बनता है। आप घर के अंदर ग्रो करें, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा। आपको ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और आप ये जो फसल देख रहे हैं ना, ये स्टेज आपकी तभी आएगी जब फ्लावरिंग हो जाएगी। इसके अंदर बहुत ही सुंदर येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। मैं आपके साथ में एक क्लिप डाल दूँगी जिसमें आप देख सकते होंगे कि बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं इस पर। वो फ्लावर्स जब झड़ गए उसके बाद इसकी ये हालत हो गई और इसकी फलियों के अंदर ढेर सारी राई जमा हो गई, ये देखिए। और मैंने इसे 1 वीक तक पानी नहीं दिया था। अभी आप देख सकते होंगे मिट्टी गीली है क्योंकि कल रात को ही हमारे यहाँ पर बारिश आई है, इस वजह से मिट्टी गीली हो गई। अदरवाइज़ मैंने इसकी मिट्टी को पानी बिल्कुल नहीं दिया ताकि ये फसल सूख जाए और उसके बाद मैं इसे हार्वेस्ट कर पाऊँ। तो देखिए कितनी सारी राई निकल रही है इसके अंदर से, ये देखिए। अब ये पूरा जब सूख जाएगा उसके बाद मैं इसे पूरा हार्वेस्ट करके निकाल कर और किसी कंटेनर में जमा कर लूँगी, जिस तरह से हम राई को रखते हैं उसी तरह से। बस अगर ये सीड्स भी मैं मिट्टी में डालूँगी तो थोड़े दिन के बाद ये भी जर्मिनेट कर जाएंगे। तो इसे मैं इस तरह से मिट्टी से निकाल दूँगी, क्योंकि अब अगर मैंने इसे थोड़ा टाइम और मिट्टी में रखा तो इसके सारे सीड्स झड़ जाएंगे और यहीं पर स्प्रिंकल हो जाएंगे, पर मुझे इसे यहाँ पर स्प्रिंकल होने नहीं देना है, इसलिए मैं इसे इस तरह से निकाल कर किसी ऐसी जगह रख दूँगी जहाँ इस पर हवा ना लगे और ये पूरी तरह से बिखरे नहीं। आप इसे किसी न्यूज़पेपर के अंदर रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए ताकि ये पूरी तरह से सूख जाएं और फिर हम इसे कंटेनर के अंदर जमा कर लें। तो देखिए कुछ दिनों बाद मेरे पास इसी तरह की राई बन जाएगी। तो आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।